नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी करने से पहले सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली अमेठी सीट पर कांग्रेस ने सर्वे करवाया है। रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी की मजबूत दावेदारी को लेकर लोगों से सीधा सवाल किया गया। इन सवालों का जनता ने जो जवाब दिया है उससे काफी कुछ साफ हो गया है। यहाँ से अगर प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो वो जीतने में कामयाब होती है या नहीं, वही अमेठी सीट पर एक बार फिर से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वो इस बार क्या बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को चुनावी टक्कर देने में कामयाब हो जाते हैं। कांग्रेस के सर्वे में काफी हद तक मामला साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दे, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉटेस्ट सीट रायबरेली और अमेठी में 5वें चरण में वोटिंग होगी, यानी 20 मई को इन दोनों सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बता दे, कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39 नामों की घोषणा की थी और दूसरे लिस्ट में 43 नामों की घोषणा की थी। कांग्रेस अब तक लोकसभा के लिए 82 नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर सर्वे कराया गया है कि गांधी परिवार का सदस्य मैदान में उतरता है तो क्या उसकी जीत होती है, इसको लेकर सर्वे कराया गया। दरअसल आपको बता दे, अमेठी में एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी को भाजपा ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस संगठन ने केंद्रीय नेताओं के साथ करीब 3 बार लोकसभा क्षेत्र का सर्वे किया है। वहीं केंद्रीय नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं ने भी अलग अलग स्थान पर पोस्टर लगाकर राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की अपील की है। सूत्रों के माने तो अलग अलग शहरों में बनारस, प्रयागराज और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने अमेठी के अलग अलग स्थान पर जाकर करीब 6 दिनों तक यह सर्वे किया है। सर्वे में यह उम्मीद जताई गई है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी उनका नाम स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली से प्रियंका गांधी की जीत की दावेदारी को भी खूब टटोला जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व ने भले ही प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने की सिफारिश की हो, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस की ओर से अभी भी फोन के माध्यम से प्रियंका गांधी के लिए सेफ सीट का सर्वे किया जा रहा है। सियासी गलियारों में यहां तक चर्चा है कि प्रियंका गांधी की सीट को लेकर पार्टी अभी भी आश्वस्त नहीं है कि उनको मैदान में उतारा जाए या न उतारा जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की दोनों हॉटेस्ट सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस में संशय बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अभी भी यह टटोलने में लगी है कि क्या पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रियंका गांधी के लिए रायबरेली सीट सुरक्षित होगी या नहीं। जानकारी के मुताबिक रायबरेली में लोगों से फोन के माध्यम से सीट की मजबूती को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर्वे में प्रियंका गांधी की मजबूत दावेदारी को लेकर सीधा सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि पार्टी ने इससे पहले भी रायबरेली में एक सर्वे करवाया था। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी तक की रिपोर्ट में रायबरेली की स्थानीय जनता की ओर से गांधी परिवार से किसी को भी प्रत्याशी बनाए जाने पर जीत का आश्वासन मिला है, लेकिन सियासी गलियारों में तो यही खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी उहापोह की स्थिति में है कि क्या प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी परिवार के सदस्य को ही इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी बनाने का सुझाव भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है कि अगर गांधी परिवार से राहुल और प्रियंका गांधी मैदान में उतरती हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन के तहत 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस अपने इन दो मजबूत किलों के मूड को आंकने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जल्द ही उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की सूची भी जारी होने वाली है। जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस पर कुछ मंथन जरूर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित सूची अब तक जारी नहीं हुई है। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ जाएगी। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक जिन राज्यों में गठबंधन के साथ उनकी पार्टी सियासी मैदान में उतर रही है वहां पर कई तरह की सियासी संभावनाओं और आपसी तालमेल को देखा जा रहा है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो खबर सामने आ रही है कि राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती है। बता दे, राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से वर्तमान में सांसद हैं और राहुल गांधी को इस बार कांग्रेस पार्टी ने वायनाड से टिकट दिया है। मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी का मानना है कि अगर वो अमेठी और वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीत जाते हैं तो उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी का मानना है कि अगर वह एक सीट छोड़ेंगे, चाहे वो वायनाड हो चाहे अमेठी हो, इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट को छोड़ेंगे तो लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा कि हमने उन्हें जिताया और हमें छोड़कर चले गए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी का मानना है कि अगर राय बरेली से वो चुनाव लड़ती हैं, तो जनता के बीच परिवारवाद को लेकर गलत संदेश जाएगा। उनका मानना है कि एक परिवार के 3 सदस्य संसद में कैसे जा सकते हैं। बता दें, वर्तमान में रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और राजस्थान से और राज्यसभा जा चुकी हैं। अब प्रियंका गांधी का यही मानना है कि अगर हम सभी लोग यानी राहुल गांधी प्रियंका गांधी सांसद बनते हैं तो परिवारवाद को लेकर लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। जैसा कि आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा विपक्षी दलों पर हमलावर रहती है। विपक्षी दलों पर परिवारवाद का भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आ रही है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी एक बार फिर से बढ़ चढ़कर परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगा सकती है। अब माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार किया है या नहीं, इसको लेकर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। बस मीडिया में सूत्रों के हवाले से ये खबरें चल रही हैं। बहरहाल आने वाले समय में क्या होता है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव का मुकाबला काफी अलग हटकर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में एक तरफ कई पार्टियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। बहरहाल 7 चरणों में वोटिंग होगी, जिसे पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को, पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को, छठे चरण की वोटिंग 25 मई को, सातवें एवं अंतिम चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिलती हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें।